अगर आपको अपने पैन कार्ड में कोई भी करेक्शन कराना है, जैसे कि नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो, सिग्नेचर या एड्रेस, या फिर आपने इंस्टा पैन कार्ड बनवाया है और उस पर आपको फादर नेम, फोटो और सिग्नेचर ऐड कराना है, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको पैन कार्ड में करेक्शन कराने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप पैन कार्ड में कोई भी करेक्शन इजीली करा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने पैन कार्ड में कोई भी करेक्शन कराने के लिए आपको NSDL पोर्टल पर आ जाना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन टाइप में चूज करेंगे चेंजेस और करेक्शन, कैटेगरी में चूज करेंगे इंडिविजुअल, टाइटल में आप चूज कर लेंगे श्री श्रीमती कुमारी, इसमें आप अपना लास्ट नेम एंटर करेंगे, फर्स्ट नेम यहाँ पर डालेंगे और अगर कोई मिडल नेम है तो यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे जो कि आप कैलेंडर से सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, आप इंडियन सिटीजन है इसको आप यस करेंगे, इसमें आप अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे, इसके बाद टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है वैसा ही आपको टाइप कर देना है, इसके बाद सबमिट। इस तरह से एक टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा। आप कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। किस तरह से आप अपने पैन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना चाहते हैं, इसके लिए आपको तीन ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें आप सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, सबमिट स्कैंड इमेजेस थ्रू ई साइन, इसको आप यहाँ पर टिक कर देंगे। क्या आपको फिजिकल पैन कार्ड भी चाहिए, इसको हम यस कर देंगे, हमें फिजिकल पैन कार्ड भी बाय पोस्ट अपने एड्रेस पर चाहिए। नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आधार नंबर को टिक करेंगे। इसमें आपको अपने आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट्स एंटर कर देने हैं, तो जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है उसके लास्ट 4 नंबर्स आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आधार कार्ड पर जो नेम आपका लिखा हुआ है वो आपको सेम यहाँ पर टाइप कर देना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। इसमें आप अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे। पैन कार्ड में आपको जो भी करेक्शन कराना है उसको आप टिक करेंगे, जैसे कि अगर आपको नेम में करेक्शन कराना है तो इसको आप टिक कर देंगे और यहाँ पर सही नेम फिल करेंगे जो आप अपने पैन कार्ड में कराना चाहते हैं। ऐसे ही अगर आपको डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन कराना है तो इसको आप टिक कर देंगे और यहाँ पर आप अपनी सही डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको फादर नेम में करेक्शन कराना है तो इसको आप टिक कर देंगे, डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स। नीचे यहाँ पर आप फादर का नेम फिल करेंगे तो फादर का लास्ट नेम यहाँ पर डालेंगे, फर्स्ट नेम यहाँ पर एंटर करेंगे, अगर कोई मिडल नेम है तो यहाँ पर टाइप करेंगे। ऐसे ही आपको मदर नेम यहाँ पर फिल कर देना है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और मिडल नेम। पैन कार्ड पर आपको किसका नेम चाहिए, फादर का या मदर का, वो आप यहाँ पर टिक करेंगे, डिटेल्स फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट। कम्युनिकेशन एड्रेस आप कौन सा रखना चाहते हैं, रेजिडेंस या ऑफिस, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप अपना एड्रेस फिल करेंगे तो इसमें आप फ्लैट, रूम, डोर या ब्लॉक नंबर एंटर करेंगे। बिल्डिंग का नेम या गाँव का नेम आप यहाँ पर फिल करेंगे। स्ट्रीट, लेन या पोस्ट ऑफिस का नेम आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद एरिया, लोकेलिटी या सब डिवीजन आप यहां पर एंटर करेंगे। इसके बाद यहां पर अपने टाउन, सिटी या डिस्ट्रिक्ट का नेम एंटर करेंगे। अपना कंट्री चूज कर लेंगे, इंडिया। इसके बाद अपना स्टेट चूज करेंगे। इसमें आप अपना पिन कोड एंटर करेंगे। अगर आपको अपने पैन कार्ड में एड्रेस भी अपडेट करना है तो इसको आप टिक कर देंगे। जो भी एड्रेस आप यहां पर फिल करेंगे ये आपके पैन कार्ड में अपडेट कर दिया जाएगा। इसके बाद अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स देंगे तो इसमें आप कंट्री कोड चूज कर लेंगे, जैसे कि यहां पर मैं टाइप करता हूं इंडिया। इसमें अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, यहां पर ईमेल आईडी एंटर करेंगे। अगर आप अपने पैन कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी अपडेट कराना चाहते हैं तो इसको आप टिक कर देंगे, यही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके पैन कार्ड में अपडेट कर दिया जाएगा। अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड नंबर्स हैं और उनको आप सरेंडर करना चाहते हैं तो इसको आप टिक करेंगे और आपके दूसरे जितने भी पैन कार्ड नंबर्स हैं वो आप यहां पर एंटर कर देंगे। फर्स्ट आप इसमें एंटर करेंगे, सेकंड इसमें एंटर करेंगे, तो ये पैन कार्ड आपका सरेंडर हो जाएगा, मतलब कि क्लोज हो जाएगा। अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड नंबर्स नहीं है तो इसको आप अनचेक कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट। इसके बाद आप डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप देना चाहते हैं प्रूफ के लिए, जैसे कि आईडी प्रूफ के लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। मुझे आधार कार्ड देना है तो यहाँ पर मैं आधार सिलेक्ट कर लूंगा। एड्रेस प्रूफ के लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, इसमें भी मैं आधार कार्ड दूंगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप कौन सा प्रूफ देना चाहते हैं, तो इसमें भी मैं आधार कार्ड ही दे देता हूँ। आपके पास जो पैन कार्ड है उसके लिए आप कौन सा प्रूफ देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो नो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर आपके पास
पास पैन कार्ड है तो आप यहाँ पर कॉपी ऑफ पैन कार्ड सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन देना है कि आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पर फिल की है वो बिल्कुल सही है, तो सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हिमसेल्फ सिलेक्ट कर लेंगे। इस करेक्शन के लिए आप कितने डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। जैसे कि मैं सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी दे रहा हूँ तो यहाँ पर मैं 2 एंटर कर दूंगा। प्लेस में आप अपने गाँव कस्बे या शहर का नेम यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है जो भी आप अपने पैन कार्ड पर प्रिंट कराना चाहते हैं। किस फॉर्मेट में आपको फोटो अपलोड करना है, साइज क्या रहेगा, डायमेंशन क्या रहेगी, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पैन कार्ड के लिए आप फोटो और सिग्नेचर कैसे रेडी करेंगे और कैसे आप पीडीएफ का साइज कम करेंगे ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखा दूंगा। फोटो अपलोड करने के लिए आप यहाँ सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप फोटो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ अपलोड पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, सिग्नेचर सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद अपलोड। इस तरह से आपके सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएंगे। यही सिग्नेचर आपके पैन कार्ड पर प्रिंट होकर आएंगे। इसके बाद हम आधार कार्ड अपलोड करेंगे तो यहाँ से पहले सिलेक्ट कर लेंगे। आधार कार्ड आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है और इसका साइज 300 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे, अपलोड पर क्लिक करेंगे, आधार कार्ड भी आपका अपलोड हो जाएगा। अगर आपको पैन कार्ड की कॉपी अपलोड करनी है तो आप ऐड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, पैन कार्ड की कॉपी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से आपको पैन कार्ड भी पीडीएफ में यहाँ पर सिलेक्ट करना है, अपलोड पर क्लिक करेंगे, पैन कार्ड भी यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद सबमिट, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। इस पेज पर आपको अपनी सभी डिटेल्स एक बार चेक करके कंफर्म करना है। तो इसमें आप पहले अपने आधार कार्ड के फर्स्ट 8 डिजिट्स एंटर करेंगे। आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट्स हम पहले ही एंटर कर चुके हैं तो यहाँ पर हमें आधार कार्ड के सिर्फ फर्स्ट 8 डिजिट्स एंटर करने हैं। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और अपनी एप्लीकेशन में सभी डिटेल्स को चेक करेंगे। अगर आपको कुछ करेक्ट करना है तो आप यहाँ एडिट पर क्लिक करके उसको करेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि सब कुछ बिल्कुल सही है तो प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपको पेमेंट करना होगा तो आप यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट सिलेक्ट कर लेंगे। 106 रुपीज 90 पैसा आपको पे करना है। नीचे आप टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, इसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट, इसके बाद पे कंफर्म। पेमेंट गेटवे पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ से आप किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे UPI से पे करना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। इसमें या तो आप अपना UPI ID एंटर करेंगे, इसके बाद मेक पेमेंट, आपके UPI एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप पेमेंट कंप्लीट करेंगे, या फिर आप यहां शो कोड पर क्लिक करेंगे, एक कोड आपके सामने आ जाएगा। किसी भी UPI एप्लीकेशन से इसको स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा, इसको आप रिफ्रेश नहीं करेंगे वरना आपका पेमेंट फेल्ड हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना होगा और इस तरह से आपके सामने पेमेंट सक्सेस की स्क्रीन आ जाएगी, आप कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपको आधार कार्ड के थ्रू ऑथेंटिकेट करना होगा तो यहाँ पर आप कंसेंट देंगे, इसके बाद ऑथेंटिकेट, इसके बाद OTP जनरेशन पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, OTP यहाँ एंटर करेंगे, इसके बाद सबमिट, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। इसके बाद कंटिन्यू विद ई साइन पर क्लिक करेंगे। अपनी एप्लीकेशन को ई साइन करने के लिए आप यहाँ पर कंसेंट देंगे, अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे, इसके बाद सेंड OTP। आधार कार्ड के साथ जो नंबर लिंक है उस पर OTP सेंड किया जाएगा, OTP यहाँ डालकर वेरीफाई करेंगे। सक्सेसफुली आपकी एप्लीकेशन ई साइन हो जाएगी। अब आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ना ही कहीं पर कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट सेंड करने की जरूरत है। पैन कार्ड में आपने जो भी करेक्शन कराया है 3 दिन के अंदर अंदर वो करेक्शन हो जाएगा। इसके बाद डिजिटल पैन कार्ड आपकी ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा और फिजिकल पैन कार्ड बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाएगा। अपने रिकॉर्ड के लिए यहाँ से आप अपनी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। इस तरह से ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है। तो इसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करके सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगी। और इस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन को देख सकते हैं। इसमें आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर भी मिल जाएगा। एक्नॉलेजमेंट नंबर से आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। जैसे ही आपके पैन कार्ड में करेक्शन हो जाएगा तो डिजिटल पैन कार्ड इस तरह से आपकी ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा। NSDL की तरफ से आपको ये ईमेल मिलेगा, इसमें आपको पैन कार्ड अटैच मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। ये भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो इसमें भी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपकी पैन कार्ड PDF ओपन हो जाएगी और इसमें आप अपना पैन कार्ड देख सकते हैं। जो भी आपने फोटो और सिग्नेचर लगवाया है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और अगर आपने नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन कराया है तो वो भी आप इस पर देख सकते हैं। डिजिटल पैन कार्ड भी फिजिकल पैन कार्ड की तरह पूरी तरह से वैलिड है, इसको आप जहाँ चाहे यूज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप अपने पैन कार्ड के लिए फोटो और सिग्नेचर कैसे रेडी करेंगे। तो इसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आप photopea.com वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसको आप अपने कंप्यूटर, मोबाइल फोन दोनों पर ओपन कर सकते हैं। इसमें आप न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे।
पैन कार्ड के लिए फोटो रेडी करने के लिए इसमें आप पहले यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे सेंटीमीटर्स, विड्थ में आप यहाँ पर एंटर करेंगे 2.5, नीचे हाइट में आप यहाँ पर एंटर करेंगे 3.5, डीपीआई में आप यहाँ पर टाइप कर देंगे 200। तो आपको ये फिल करना है, विड्थ में आप 2.5, हाइट में 3.5 और डीपीआई 200। मेजरमेंट आपका सेंटीमीटर्स में रहेगा। इसके बाद क्रिएट, इस तरह से आपको एक बॉक्स मिल जाएगा, जूम आइकन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आप इसको जूम कर लेंगे। अब जो भी आपका फोटो है वो आपको इसमें लाकर पेस्ट कर देना है। इस तरह से आपका फोटो पेस्ट हो जाएगा, तो आप यहाँ पर इसको फिट कर लेंगे। इस बॉक्स में आपको अपने फोटो को फिट कर लेना है। अगर आपको ट्रांसफॉर्म नहीं मिल रहा है इस फोटो को फिट करने के लिए, तो आप एडिट में जाएंगे, इसमें आप यहाँ फ्री ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आपको ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा और आप इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। अब इसको आप क्रॉप करेंगे तो आप यहाँ क्रॉप आइकन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद एंटर, फोटो आपका क्रॉप हो जाएगा। इसके बाद आप फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट एज में आप यहाँ पर जेपीजी सिलेक्ट करेंगे। इस फोटो का साइज क्या है वो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। पैन कार्ड के लिए आपके फोटो का साइज 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर क्योंकि ये 55 KB है, ज्यादा है, तो इसकी क्वालिटी को हम कम करेंगे। मैंने क्वालिटी को कम किया तो ये 6 KB का हो गया है, तो मैं क्वालिटी थोड़ी और बढ़ा देता हूँ। अभी देखिए 15 KB हो चुका है, ये सही है। सेव पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका फोटो सेव हो जाएगा। इसको आप अपने पैन एप्लीकेशन में इजीली अपलोड कर सकते हैं। ऐसे ही हम सिग्नेचर बनाएंगे, सिग्नेचर के लिए भी आप photopea.com पर आ जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, इसमें आप सेंटीमीटर सिलेक्ट करेंगे, विड्थ में यहाँ पर आप टाइप करेंगे 4.5, हाइट में आप टाइप करेंगे 2, नीचे आप डीपीआई रखेंगे 200। तो सिग्नेचर के लिए आपको यहाँ पर विड्थ 4.5, हाइट आपको 2 रखनी है, डीपीआई 200। इसके बाद क्रिएट, इस तरह से आपको बॉक्स मिल जाएगा, इसको आप जूम कर लेंगे। इसके बाद जहाँ पर भी आपके साइन रखे हुए हैं उनको आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इस तरह से आपके सिग्नेचर इसमें पेस्ट हो जाएंगे। इसके बाद एडिट में जाएंगे और यहाँ फ्री ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करेंगे, तो इस तरह से आपको फ्री ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा और आप सिग्नेचर को यहाँ पर फिट कर लेंगे। इसके बाद ओके। अब आपको ये क्रॉप करना है तो यहाँ क्रॉप आइकन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद एंटर, इसके बाद इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट एज में जेपीजी पर क्लिक करेंगे। सिग्नेचर का साइज 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं क्वालिटी को बढ़ा लेता हूँ। आप देख सकते हैं 20 KB है, तो हम सेव कर देंगे। अगर साइज यहाँ पर ज्यादा होता है तो आप क्वालिटी को कम करके साइज को कम कर सकते हैं, और अगर साइज कम है तो आप इसकी क्वालिटी बढ़ाकर इसके साइज को भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद सेव। इस तरह से आपके सिग्नेचर भी रेडी हो जाएंगे, इनको भी आप अपनी पैन कार्ड एप्लीकेशन में इजीली अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आती है आपकी पीडीएफ फाइल, जैसे कि आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी अपलोड करेंगे तो वो दोनों फाइल आपको पीडीएफ में अपलोड करनी है और उनका साइज 300 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी पीडीएफ फाइल का साइज ज्यादा है तो उसको आप यहाँ पर कंप्रेस कर सकते हैं। पीडीएफ को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, कंप्रेस में आप सिलेक्ट करेंगे बेसिक, ये बिल्कुल फ्री है, कंप्रेस पर क्लिक करेंगे और इस तरह से आपकी पीडीएफ का साइज यहाँ पर कंप्रेस हो जाएगा। इसमें आप डाउनलोड पर क्लिक करके अपनी कंप्रेस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। सो इस तरह से आप अपने पैन कार्ड में जो चाहे करेक्शन करा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।